बाबू प्रणाम। केन्या में आयोजित इस गजल कुंभ को पिछले 4-5 दिन से देख रहे हैं सब कलाकार, उनको प्रणाम, कला प्रेमियों को प्रणाम, और इस गजल कुंभ को, कला कुंभ को पोषण देने वाले उनको प्रणाम। बापू, शेर तो मैं कम पढ़ूंगा, एक बात शेयर करना चाहता हूं आपसे। हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत बैठी है, वसीम बरेलवी साहब जी। लोग एकता की बात करते हैं, हिंदी उर्दू बातें नहीं करते। वो उन्होंने पाकिस्तान में ये मिशन चलाया कि जो हिंदुस्तान के हिंदी बेल्ट के लोग हैं उनको आप बुलाइए। वाह। और ये मेरा वसीम भाई के लिए तालियां इस बात के लिए। काम जिसकी कृपा होती है, जिसका काम, उसको मुझे धन्यवाद देने का मौका मिल रहा है। आज हिंदुस्तान में पहला मैं शहर गया, आप सबकी दुआओं से कामयाबी मिली। उसके बाद डॉक्टर कुंवर बेचन साहब गए और गए और गए और गए। तो वसीम साहब, आपका शुक्र अदा करने का इस महफिल में मुझे मौका मिला है। और साहब, हम शायरी क्या करते हैं बापू, ये वो दरख्त हैं जिनके साए में बैठकर हम शायरी को सुनने का सलीका सीखते हैं। कोई शायरी नहीं है साहब, सुनने का सलीका सीखते हैं, लिखना तो कहना तो बाद। प्रणाम साहब, गजल को बुला लूं साहब एक मतले से, गजल का साधक हूं। ऐसे ऐसे सिंगर साहब मेरा तो जी अता करें। गजल को बुलाता हूं साहब। ए गजल पास गुनगुना लूं तुझे, ए गजल पास गुनगुना लूं तुझे, ए गजल पासवां गुनगुना लूं तुझे, तू सवारे मुझे, मैं सवारूं तुझे। ए गजल पासवां गुनगुना लूं तुझे। शुक्रिया दोस्तों। चार मिसरे पढ़ता हूं साहब। अर्ज करता हूं, खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है। वसीम साहब, आप खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आई है ये अदीबों का घर है। खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। और अलग ही मजा है फकीरी का अपना, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है। खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, खुलूस व मोहब्बत की खुशबू से तर है, चले आइए ये अदीबों का घर है। और अलग ही मजा है, अलग ही मजा है फकीरी का अपना, न पाने की चिंता न खोने का डर है, न पाने की चिंता न खोने का डर। चार मिसाल इस मतलब पर तो खास तौर से तवज्जो चाहता हूं, मुझे बहुत प्यार मिला इस मतलब। डॉक्टर साहब, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, पसारूं हाथ, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के, तरीके और भी हैं खुदकुशी के। अच्छा है भाई,
नहीं दीक्षित क्या कहने हैं भाई, वाह 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 शेर हुआ भाई। पसारूं हाथ क्यों आगे किसी के तरीके और भी हैं खुद खुशी के। बहुत अच्छा है भाई, वाह वाह वाह। तरीके और भी हैं खुद खुशी के। एक लफ्ज आता है इसमें तीरगी, तीरगी कहते हैं अंधेरे को। शेर मिला फरमाइएगा, पसारूं हाथ क्यों आगे किसी, उजालों ने तो बस तो मत लगाई, उजालों ने तो बस तो मत लगाई, उजालों ने तो बस तो मत लगाई, करम हम पर रहे हैं तीर लिखे। चार पांच मिनट से और फिर से पहले अर्ज करता हूं कि क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, वो उसकी अदा है ये मेरी। क्यों उसको मनाऊं, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, वो उसकी अदा है ये मेरी अदा है, वो उसकी अदा है। एक शेर है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, अना कहते हैं अपना अपना सेल्फ रेस्पेक्ट अघमन। क्यों उसको मनाऊं जो मुझसे खफा है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, उसको भी पता है मुझको भी पता है। वाह, कुछ टूट रहा है, कुछ टूट रहा है दोनों की अना से, उसको भी पता है मुझको भी पता है। बहरहाल एक शेर मेरा पढ़ने का मन करता है, पढ़ता जरूर हूं। शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, शायरी तो फकत बहाना है, फकत बहाना है शायरी तो फकत बहाना है, असल मकसद तुझे रिझाना है, तुझे रिझाना है शायरी तो। शेर और बर्दाश्त कर लें, कि है मददगार और भी लेकिन, है मददगार और भी लेकिन तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, तेरी रहमत का क्या ठिकाना है, क्या ठिकाना है शायरी तो। बहरहाल गजल पाता हूँ साहब, इशारों की जबान। चांद तारे नये रंगोबू चाहिए, 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 कुछ खिलौने नहीं मुझको तू चाहिए। वाह अच्छा है भाई दीक्षित। चांद तारे
चांद तारे न ये रंग बू चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तो चाहिए, कुछ खिलौने नहीं मुझको तो चाहिए, चांद तारे। वसीम साहब आपका शेर पर खास तौर से तवज्जो चाहूंगा। प्रभा साहब के पत्थरों को तराशा किया उम्र भर, 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 तेरे जैसा कोई हूबहू चाहिए, तेरे जैसा कोई हूबहू चाहिए, चांद तारे नये रंग बू चाहिए, और वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, वो मददगार हो, वो मददगार हो या हो दुश्मन मेरा, पीठ पीछे नहीं रूबरू चाहिए, पीठ पीछे नहीं रूबरू चाहिए, चांद तारे नये रंग बू चाहिए। अब हवाएं भी रचने लगी साजिश, अब हवाएं भी रचने लगी साजिश, अब हवाएं भी रचने लगी साजिशें, अब हवाएं भी रचने लगी साजिशें, अब चरागों को भी कुछ लहू चाहिए, अब और आखिरी शेर साहब इस गजल का शायद किसी काम का हो, वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, वो मिलेगा सब ये गुजरात शर्त है के सब कलाकार सब गजल प्रेमी, वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, वो मिलेगा वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, वो मिलेगा यकीनन मगर शर्त है, आखिरी सांस तक जुस्तजू चाहिए, आखिरी सांस तक जुस्तजू चाहिए, चांद तारे नये। इजाजत हो तो साहब एक गजल पढ़ दूं बापू, एक एक दो शेर उस गजल के, बापू ने वो शेर गजल को गजल कर दिया, हम तो साहब क्या लिखते हैं, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या तो कबूल कर मेरी कमजोरियों के साथ, या छोड़ दे मुझे मेरी तन्हाइयों के साथ, या तो शेर बतौर खास मिर्जा साहब जी अता करें के लाजिम नहीं, लाजिम नहीं के हर कोई हो कामयाब ही, लाजिम नहीं के हर कोई हो कामयाब,
लाजिम नहीं, लाजिम नहीं, लाजिम नहीं कि हर कोई हो कामयाब ही, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, जीना भी सीख लीजिए नाकामियों के साथ, जीना जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, जद्दोजहद में जोश था जी, जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, मुश्किल में पड़ गया हूँ आसानियों के साथ, मुश्किल में पड़ गया हूँ आसानियों के साथ, पड़ गया हूँ मैं आसान, चूंकि हम सब ज्यादातर गांव के लोग हैं, बड़ी स्ट्रगल के, जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, जद्दोजहद में जोश था, जीने का लुत्फ था, मुश्किल में पड़ गया हूँ आसानियों के साथ, शामिल हूं तेरे गम में बहुत शर्मसार भी, शामिल हूं तेरे गम में, शामिल हूं तेरे गम में बहुत शर्मसार भी, लाचार हूँ खड़ा हूँ तमाशाइयों के साथ, लाचार शामिल हूँ तेरे गम में बहुत शर्मसार भी, लाचार हूँ खड़ा हूँ तमाशाइयों के साथ, लाचार खड़ा हूँ तमाशाइयों के साथ। आखिरी शेर पढ़ के अपना जगह लेता हूँ साहब, जी आता गजल का शेर, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, अच्छा किया जो तुमने गुनहगार कह दिया, मशहूर हो गया हूँ मैं बदनामियों के साथ, मशहूर हो गया हूँ मैं बदनामियों के साथ, या तो शुक्र।